हरियाणा चुनाव से पहले आपने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा के भिवानी में आपके नए सर्कल इंचार्ज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा की जनता को इस बार एक नया और शानदार विकल्प मिलेगा। हरियाणा में हर बूथ पर 10-10 लोगों की कमेटी बनेगी। पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के 2 लाख पदाधिकारी 15 अक्टूबर तक बन जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिसके पास इतना बड़ा संगठन होगा उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा पाएगी। आज यहाँ पे लगभग 4000 पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। इतने कम समय में इतने सारे लोग हरियाणा के कोने कोने में, गांव गांव में, इतने बड़े स्तर के ऊपर लोग जुड़ रहे हैं। लोग हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। लोग दिल्ली और पंजाब की तरफ देख रहे हैं कि वहां पे इतनी अच्छा माहौल हो गया, इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई। आज सर्कल लेवल तक के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। अगले 1.5 महीने में, आज 3 सितंबर है, अगले 1.5 महीने में 15 अक्टूबर तक हरियाणा के हर बूथ पे 10-10 लोगों की बूथ कमेटी बनके तैयार हो जाएगी। हरियाणा में 19,500 बूथ हैं। हर बूथ पे 10-10 लोगों की बूथ कमेटी का मतलब पूरे हरियाणा के अंदर 2 लाख आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, 2 लाख पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के 15 अक्टूबर तक बनके तैयार हो जाएंगे। और वो भी दिल से, जो दिल से काम करने को तैयार है, अपनी जेब से पैसा खर्चने को तैयार है, अपने घर से टाइम देने को तैयार है, ऐसे पदाधिकारी, 2 लाख पदाधिकारी जिस पार्टी के पास हो, मैं नहीं समझता उस पार्टी को कोई भी इस दुनिया की ताकत हरा सकती है। उसके बाद ये जितने कार्यकर्ता आप लोग बैठे हैं, इनमें से 90% से ज्यादा कार्यकर्ता वो हैं जो हरियाणा के आम लोग हैं, आम किसान हैं, आम व्यापारी हैं, आम सर्विस करने वाला आदमी है। कभी जिंदगी में आप में से 90% से ज्यादा लोगों ने कभी जिंदगी में राजनीति नहीं करी। यहाँ जितने जने बैठे हैं, अगर पद का लालच है मन में, अगर टिकट का लालच है मन में, कहीं मन के कोने में, तो भाई साहब फिर गलत जगह आ गए। यहाँ तो ये मान के चलना कि घर फूकने की जरूरत पड़ेगी। देश के लिए आए हैं। मेरे को पूरे हरियाणा से खबर आती है, मैं अपना फोन ऑन रखता हूँ, जिसका मर्जी फोन आता है उठाता हूँ। हरियाणा बदलाव मांग रहा है, केवल आपकी मेहनत की जरूरत है। मेहनत करोगे, घर घर जाओगे, मैं आपको चैलेंज करके जा रहा हूँ, अगली बार भारी बहुमत से आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही। गांव गांव में जाके बताना पड़ेगा भाई 24 घंटे बिजली चाहिए और फ्री बिजली चाहिए, और किसानों को भी फ्री बिजली चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम अपने देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देते हैं तो कोई गुनाह करते हैं क्या? अगर हम अपने देश के लोगों को, गरीब लोगों को, उनके लिए अच्छे अस्पताल बनाते हैं, उनके लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, उनका अच्छा इलाज कराते हैं, उनको फ्री में दवा का इंतजाम करते हैं, तो बताओ कौन सा कोई पाप करते हैं क्या हम लोग? राजनीति से नफरत थी हम लोगों को। अगर यही लोग ठीक काम कर लेते तो हमको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ती? मैं भी खुश था, आप भी खुश थे, हम लोग किस लिए हम लोग राजनीति में आते? अन्ना जी कहते थे राजनीति कीचड़ है। मैं अन्ना जी को कहता था, अन्ना झाड़ू लेके इस कीचड़ में खुद उतरना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं बचा। बाहर बैठ के सफाई नहीं होगी, बाहर बैठ के भूख हड़ताल करते रहेंगे, अब अंदर घुसना पड़ेगा, सफाई खुद ही करनी पड़ेगी। राष्ट्र सर्वप्रथम।